हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, एक दंपत्ति जब पहली बार माता पिता बनने वाले होते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ये लम्हा उनके लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल होता है। पहली बार दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने पर परिवार के हर सदस्य के बीच में भी खुशी का माहौल होता है। लेकिन स्वस्थ बच्चा और सुरक्षित गर्भावस्था के लिए गर्भवती महिला को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कहीं पर भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आगे देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो पीरियड मिस होने पर प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए प्रेग्नेंट महिला को घर पर ही प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करके अपनी प्रेगनेंसी की जांच करनी चाहिए। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के तुरंत बाद आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए और डॉक्टर से नियमित 9 महीने तक अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर का चुनाव ऐसा करें जो डॉक्टर आपको सीजीरियन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेरित करे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि डॉक्टर जो है सीजीरियन डिलीवरी के लिए आपको ज्यादा फोर्स कर रही है और आपकी गर्भावस्था पूरी तरीके से स्वस्थ है और आप नॉर्मल डिलीवरी दे सकती हैं, तो ऐसा फील होने पर आप अपना डॉक्टर तुरंत बदल दीजिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस महिला में होते हैं, तो इस दौरान महिला बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हो जाती है। इस कारण से पहली तिमाही में महिला को उल्टी, मितली, चक्कर आना, मॉर्निंग सिकनेस, भूख न लगना, सिर दर्द और कब्ज और सीने में जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी परेशानियां गर्भावस्था के पहले तिमाही में महिला को हो सकती हैं। ध्यान रखिए कि गर्भावस्था के दौरान आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है, खासतौर पे पहली तिमाही में, और साथ ही आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा सीढ़ियों में चढ़ना उतरना नहीं करना चाहिए और इस दौरान रोटियां भी नहीं बनानी चाहिए। गर्भावस्था के लास्ट के महीनों में भी आपको भारी काम नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के लास्ट के महीने में आपको यात्रा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। अंतिम महीनों में डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज और योगा आपको करना चाहिए और ध्यान रखिए कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको रोजाना सुबह और शाम को 20 से लेकर 25 मिनट खुली हवा में टहलना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने डिलीवरी डेट नोट करके रखना चाहिए और समय निकट आने पर आपको घर में अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बात करें इस दौरान खान पान की, तो आपको बिल्कुल स्वस्थ आहार लेना चाहिए जिससे आपकी गर्भावस्था में कोई भी परेशानी ना हो और साथ ही आपके शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। सभी खाद्य पदार्थ ऐसे खाएं जिनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस हो, लेकिन शुरुआती 3 माह में ऐसी चीजें कम खाएं जिनमें की विटामिन सी अधिक मात्रा में हो, जैसे कि आंवला, कटहल इत्यादि। शरीर में सभी विटामिन, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन इस दौरान आपको करना चाहिए। विटामिन डी के लिए सुबह की पहली धूप में 10 मिनट तक के लिए जरूर बैठना चाहिए। इसके साथ ही हर 3 घंटे में कुछ न कुछ खाते पीते रहना चाहिए। जो भी आप खाएं उसे अच्छी तरीके से चबाकर आपको खाना चाहिए। ध्यान रखें कि कच्चे अंडे, अनानास, पपीता, मरकरी युक्त मछली, कटहल, करेला, अंकुरित भोजन और गर्म तासीर वाली चीजों को आपको बिल्कुल भी इस दौरान नहीं खाना है। आपको इस दौरान खूब सारा पानी पीना है। तकरीबन एक दिन में 8 से लेकर 10 ग्लास पानी आपको अपनी गर्भावस्था के दौरान जरूर पीना चाहिए। इसके साथ ही आप फ्रूट जूस लीजिए, नारियल पानी जरूर लीजिए और 4th महीना शुरू होते ही केसर वाला दूध जरूर पीजिए। इस दौरान कैफीन का सेवन बिल्कुल भी ना करें और अगर आप धूम्रपान और शराब पीती हैं तो इस दौरान इसका बिल्कुल भी सेवन ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेना गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो इस दौरान आप बिल्कुल भी तनाव न लें और पूरी गर्भावस्था के दौरान खुश रहने की कोशिश करिए। गर्भावस्था के दौरान आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि कॉटन के हों, सूदिंग हो और ढीले ढाले आपको कपड़े पहनने चाहिए। नहाने के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी ही यूज करना चाहिए। सोते समय अपनी पोजीशन का बिल्कुल ध्यान रख के आपको सोना है। आपको हमेशा बाई करवट लेकर सोना है। आपको पेट के बल या पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है और बहुत ज्यादा देर तक आपको दाई ओर भी करवट लेकर नहीं सोना है। और साथ ही ध्यान रखिए कि दोपहर के समय 1 घंटे से अधिक की नींद ना लें। दोस्तों, अपने जरूरी टेस्ट बीपी, शुगर, थायराइड और अल्ट्रासाउंड नियमित समय पर जरूर करवाते रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में वाटर ब्रेकेज का ध्यान रखिए और ऐसा होने पर आप तुरंत हॉस्पिटल के लिए दौड़े। अंतिम माह आते आते अस्पताल के लिए आप अपना मैटरनिटी बैग तैयार कर लें, क्योंकि आपको 9वें महीने में इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं और ये आपका पहला बच्चा है तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और साथ में बेल बटन को प्रेस करें प्रेगनेंसी से रिलेटेड नए वीडियोस के अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।